Hey, welcome back. मेरा नाम है शिव शेख और मैं आप सभी का फिट वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग मुझे फोन और मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि आजकल आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। एक्चुअली मैं काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया हूँ ना कि वीडियो बनाने का और वीडियो डालने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं जो कर रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए ऑन द गो एक वीडियो बनाता हूँ। आज मुझे जाना है शाहपुर में। शाहपुर में हमारे एक कस्टमर का फार्म है, वहाँ पर मुझे विजिट करना है। तो मैं आपको फार्म विजिट भी करवाता हूँ और रास्ते में आज मैं जो भी करूँगा आप लोगों को सबको दिखाऊंगा कि मैं मतलब कहाँ कहाँ जाता हूँ, कैसे ट्रेवल करता हूँ और दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो डालने का मौका और टाइम ही नहीं मिलता। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो सबसे पहले ट्रिप को मैं ज़ीरो करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे लंबे रास्तों पे ट्रैवल करता हूँ, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने जो ट्रैवल किया है शायद 502 किलोमीटर हो गया था उसका। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल ज़ीरो। अब यहाँ पर ट्रिप ए ज़ीरो हो गया, ताकि मुझे आज पता चले कि मैं आज कितना ट्रैवल करके आया हूँ। सुबह के 8:57 लगभग 9 बजा है सुबह का। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मुझे जाना है और एक दो दोस्त लोग भी है जो मेरे साथ ही काम करते हैं, उनको भी पिकअप करना है। पिकअप करके फिर आज आगे मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे काम करते हैं। ट्रैवलिंग है ना, ट्रैवलिंग भारी नहीं पड़ती, पर ये जो ऐसी ट्रैफिक रहती है ना, ये बहुत भारी पड़ती है। अब यहाँ पर जो रास्ता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे का है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं ऐसी ट्रैफिक की वजह से। तो ये जो ट्रैफिक होती है ना, ये बहुत भारी पड़ती है। ये मेरे पीछे एक तालाब है, ये तालाब मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर देखोगे यहाँ पर जो तालाब है, ये तालाब हर साल बरसात के मौसम में बह जाता है। अगर आप देखोगे तो पानी का जो लेवल है, देखिए कितना ऊपर तक है। थोड़ी सी और बरसात होगी, दोनों तरफ उसके वहाँ पर खाड़ी है और खाड़ी का पानी भी अंदर आ जाता है और बरसात के पानी से भी ओवरफ्लो होने लगता है। तो जब भी आप तालाब बनाओगे तो ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, तालाब हमेशा ज़मीन से ऊंचे लेवल पे होना चाहिए। अभी मैं भिवंडी पहुँचा हूँ और फारूक भाई मेरे साथ में है। फारूक भाई को आपने मेरे साथ में बहुत सारे बायोफ्लॉक के वीडियोस में देखा होगा। फारूक भाई का बायोफ्लॉक का फार्म भी है और जो दुकान का क्या नाम, फिश हाउस नाम की जो दुकान मैंने आपको दिखाया था फारूक भाई की, आज मैं और फारूक भाई जा रहे हैं हमारे कस्टमर के फार्म पर। अभी 2 बज गया यहाँ पर पहुँचने के लिए। अभी मैं पड़गा पे आया हूँ, ये हमारा पड़गा वाला शॉप है और यहाँ पर दवाइयाँ और मेडिसिन फीड वगैरह सब रहती है अपना तालाब की मछलियों की। अभी यहाँ पर थोड़ा सा काम है मुझे, ये काम पड़ाते ही मुझे जाना है कस्टमर के फार्म पे शाहपुर में। अभी तक मैं शाहपुर नहीं पहुँचा हूँ, एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा सा एक छोटा सा काम था वो पटा के आया। 2 बजे मुझे पहुँचना था कस्टमर के फार्म पर, उन्होंने मुझे बुलाया था कि 2 बजे तक आ जाना आप, लेकिन यहाँ ही 2 बज गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है 3:30 बज जाएगा। तो यहाँ एक छोटा सा काम है, वो काम पटा के मैं जल्दी से निकलूँगा और वहाँ जाऊँगा। अभी आप देख सकते हो 129 किलोमीटर्स हो गए और लगभग 4 बज चुके हैं। 4 बजे अभी मैं यहाँ पर फार्म पर पहुँचा हूँ
और टाइम ट्रैवलिंग टाइम जो हो गया ये 5 hours 51 minutes का हो गया, लगभग ऑलमोस्ट 6 घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद में यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो बहुत से लोग ना मुझे बुलाते हैं तालाब पे आना या आना वाना, एक्चुअली ना इतना लंबा लंबा ट्रैवल करने के बाद है ना एक जगह जाओ तो दूसरी जगह जाने के लिए टाइम ही नहीं बचता, इसीलिए बहुत सी जगहों पे मैं नहीं जा पाता। तो जो लोग बुरा मानते हैं ना कि मैं बार बार बुलाने पे नहीं आता हूँ, तो एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता मुझे। जब भी मैं किसी फार्म पे जाता हूँ ना तो मतलब फीड जो लोग यूज़ करते ना, फीड बेचने में मुझे इतना ज़्यादा खुशी नहीं होती जितनी खुशी ना मुझे ऐसे फीड के जो हमारे फीड वाले के फीड के बैग्स होते, इससे जो लेबर्स के घर बनाए जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो फीड वाले के बैग से लेबर्स का घर बनाया गया है। ऐसे जो बैग्स यूज़ होते हैं ना और चारों तरफ हमारे फीड वाले के बैग्स ही बैग्स होते, ये देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। नदी जो होती है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है तालाब के पास। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी नदी है और जिसमें काफ़ी भरपूर पानी है और तालाब जो है वो ऊपर है। तो अगर आप देखोगे कि तालाब की हाइट ऊपर है और नदी की हाइट नीचे है, तो नदी जो होती है वो तालाब से हमेशा नीचे की तरफ होनी चाहिए। और तालाब में जब बरसात का पानी जब ज़्यादा हो जाता ना, तो नदी का पानी तालाब में नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ से निकलते निकलते रात के 8:30 बज चुके हैं और काफ़ी, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कीड़ा आके गिरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बैक कैमरा होगा क्या इसमें, और मैं आपको दिखाता हूँ कीड़ा, देखिए आप। बात करते करते ये कीड़ा ऊपर से आके गिरा है, बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक है ये। ये कीड़ा अगर काट ले एक बार तो समझो कम से कम एक हफ्ते तक ये इसका काटा हुआ सूज जाता है और एक हफ्ते तक ये सही नहीं होता। आपको शायद दिख रहा होगा ये अभी एक्चुअली उल्टा हो गया है, इस वजह से ये उड़ नहीं पा रहा है, ये उड़ने की और सीधे होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे फार्म पे रात के टाइम पे कीड़े भी बहुत होते हैं, बहुत खतरनाक वाला कीड़ा है ये। अभी हम लोग यहाँ से निकले, कितना टाइम हुआ फर्क हुआ? अभी 8:40-45 हो रहा है। 8:45 हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से निकले है, आप देख सकते हो रास्ते में यहाँ पर पानी भी है और काफी कीचड़ भी हो चुका है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर। अभी थोड़ी सी रुकी है बारिश और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे, हाईवे पहुँचने को कितने 4-5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर है ना बाद में। तो हम लोग ये सब आपको इसलिए दिखा रहे क्योंकि तालाब की और फार्म की लाइफ कैसी होती है ये समझाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, मैं लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो अभी देखिए फिलहाल खाली DRL चालू है, उसको भी बंद कर देता हूँ, गाड़ी बंद करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर अगर मैं एक मिनट न्यूट्रल किया और ये गाड़ी बंद अगर मैं कर दूं तो आप देखिए पूरा अंधेरा हो गया है। अब गाड़ी स्टार्ट किया हूं मैंने, ये सिर्फ DRL चालू है और ये लोअर बीम और ये अपर बीम, आप देख सकते हो कितना अंधेरा होता है यहाँ पर। ये उन लोगों के लिए जो फार्म नहीं देखते, फार्म देखने का शौक है जिनको, उन लोगों के लिए हम लोग ये बना रहे। यहाँ से हाईवे पहुँचने के लिए कम से कम 4-5 किलोमीटर हमको इसी ऐसे ही रास्ते से जाना होगा। और फारूक भाई फिर वहाँ से अपने को भिवंडी पहुँचने कितना टाइम लगेगा? पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा विदाउट ट्रैफिक, अगर थोड़ी बहुत भी ट्रैफिक मिली तो 1.5 घंटा कभी भी हो सकता है वो। और आप देख सकते हो गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी सटक रही है क्योंकि कीचड़ हो गया है। हम लोग हाईवे पे आए हैं
अभी यहाँ पर पहुंचे, हाईवे भी नहीं है, ये अंदर का रोड है, हाईवे तो आगे जाके स्टार्ट होगा। अरे ये अंदर का हाईवे है, भी नेशनल हाईवे नहीं है। हाँ, स्टेट नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे थोड़ी है ये, स्टेट हाईवे है ये। स्टेट हाईवे कैसे हुआ ये? ये तो एक गांव से दूसरे गांव कनेक्टिंग रोड है। नहीं, ये रास्ता जो है ना, हाँ, इसमें नगर को जोड़ता है, स्टेट हाईवे। अच्छा, कौन से नगर को जोड़ता है? अहमदनगर। अहमदनगर। अच्छा, वो वाला रोड है ये। अच्छा, क्या तुम नासिक हाईवे से कनेक्ट है? हाँ, ये अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे तो मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर के बाद दस किलोमीटर के बाद में नासिक हाईवे आएगा। नासिक हाईवे आएगा, मुंबई नासिक हाईवे। अभी फिलहाल 10:15 हो गए रात के और अब तक हम लोग 178 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके। हाँ भाई लोग, अभी हम लोग अपना नासिक हाईवे पे करिश्मा ढाबा पड़ता है, वहाँ पे रुके खाना खाने के लिए। अभी रात के 10:30 बज गए। अब यहाँ से खाना खा के हम लोग निकलेंगे अपने अपने घर को और उसके बाद में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यहाँ पर खाना खाने की मेन वजह ये है कि इसके बाद में ढाबे सब ख़त्म हो जाएंगे और भिवंडी के बाद में मुंबई की तरफ जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होगी और घर पहुँचने में काफ़ी वक्त लग सकता है। और फारूक भाई भी यहाँ से अलग हो जाएंगे, फारूक भाई का घर पास में ही है भिवंडी में, तो यहाँ से हम लोग अलग हो जाएंगे। तो इससे पहले खाना खा के फिर हम लोग आगे निकलेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। खाना खाने के लिए रुके थे हम लोग, लेकिन कुछ लोग मिल गए थे जो हमारे कस्टमर्स भी है और उनसे कुछ काम की बात चल रही थी। बहुत लेट हो गया, 2 बज गया यहाँ से ढाबे से भी मैं निकल रहा हूँ और घर पहुँचते पहुँचते आज बहुत लेट हो जाने वाला है। ये होता है भिवंडी और मुंबई के रोड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो सुबह के यानी कि रात के 2:27 हो रहे और यहाँ पर ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक इतनी है कि गाड़ियाँ खड़ी है। मैं पिछले 10 मिनट से सिर्फ इसी जगह पे खड़ा हूँ और यहाँ से गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही है और हो रहा है 2:27, आधी रात को भी यहाँ पर ट्रैफिक रहती है। ये जो भिवंडी वाला जो रोड है ना, ये सबसे बुरा रोड है मुंबई के आसपास। बाहर आने जाने के दूसरे जो रोड्स है, जैसे कि वाशी का वाला रोड हो गया, वाशी से पूना वाला रोड, या फिर गुजरात वाली लाइन हो गई, वहाँ पर ट्रैफिक होती है लेकिन कम से कम गाड़ियाँ चलती रहती है। और ये वाला जो रोड है ना, ये सबसे बुरा है क्योंकि रोड भी छोटा है, लाइट्स भी नहीं होती और खड्डे इतने ज़्यादा है, रोड की कंडीशन बहुत बुरी है यहाँ पर। 2:27 पे मैंने आपको दिखाया था, अभी 2:35 हो रहे और आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रैफिक वैसे के वैसे ही है। यहाँ पर एक बार ट्रैफिक होती है ना तो कम से कम 10-15 और कभी कभी आधे घंटे तक भी गाड़ियाँ एक ही जगह पर खड़ी रहती है और हिलती तक नहीं है। अभी पता नहीं पिछले 10-15 से तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ और कितनी देर यहाँ पर रुकना पड़ेगा पता नहीं। 3:11 हो गए, 7 किलोमीटर चला हूँ मैं सिर्फ और वो भी बहुत ट्रैफिक में। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से खड़ा हो गया हूँ, दूर तक सब गाड़ियाँ खड़ी है, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा और बरसात भी बहुत तेज़ हो रही है। घर तो पहुंचना है पर कब पहुंचूंगा पता नहीं, बहुत लेट हो रहा है आज। पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ना थोड़ी सी कच्ची मिट्टी वाला रोड है और बहुत सी गाड़ी वाले वहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हो नॉर्मल डेज में ना यहाँ से अगर जाएंगे ना तो चलेगा, लेकिन ये जो बरसात का मौसम होता है ना, वो कच्ची जो मिट्टी होती है ना, वो भीगने की वजह से कभी भी सटक जाती है और कभी कभी रोड ऊपर होता है, नीचे थोड़ा सा गैप होता है, तो गाड़ी कभी भी ऐसे सटक सकती है। इसलिए थोड़ी सी देर के लिए घाई करके कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हो ये गाड़ी वाला है जो लेफ्ट से जा रहे कच्ची मिट्टी पे से, और अभी तो फिलहाल लेफ्ट साइड पे चलो वहाँ पर मिट्टी रखी हुई है, लेकिन कभी कभी रोड ऊपर होता है और नीचे कुछ नहीं होता, तो ऐसे में ज़्यादा घाई करके कोई मतलब नहीं बनता। मैंने बहुत, आप तो जानते हो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैंने ऐसे बहुत सी जगहों पर देखा हूँ कि बरसात के मौसम में ना गाड़ी सटक के नीचे चली जाती है। कच्ची मट्टी अगर हो तो बरसात के मौसम में कभी रिस्क नहीं उठाना। अभी 3:31 हो गया, सुबह के 3:30, फाइनली भिवंडी वाली ट्रैफिक से निकल गया मैं, काफ़ी टाइम लगा वहाँ से निकलने में। अभी मैं थाने पहुँचाऊँ, थाने क्रॉस करके मुझे अब मुंबई जाना है क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। देखते हैं कि मुंबई में कितनी ट्रैफिक मिलती है। अब सुबह सुबह इस टाइम तो ट्रैफिक ज़्यादातर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मुंबई का कोई भरोसा नहीं, मुंबई में कभी भी ट्रैफिक हो सकती है। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूं और सुबह के 4 बज गए। नॉर्मली इतना लेट मुझे नहीं होता, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। नॉर्मली मैं ज़्यादा करके 11-12 या मैक्सिमम 1 बजे तक अपने घर आ जाता हूं, पर आज रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिल गई और कुछ लोग ढाबे पे मिल गए जहां हम लोग खाना खाने गए थे, कुछ कस्टमर्स वहां पर मिल गए क्योंकि शॉप के काफ़ी क्लोज था वो ढाबा, तो
तो वहाँ के कुछ कस्टमर्स मिल गए, तो बातों में और कुछ डिस्कशंस में बहुत टाइम निकल गया। मैं आपको आज की डिटेल्स बताता हूँ कि आज का कितना हम ट्रैवल किए हैं और कितना टाइम लगा है। आप अगर देखोगे तो 4 बजे है, 4 बजे पहुँचा हूँ मैं घर, और 226 मतलब 226 किलोमीटर्स की रनिंग हुई है आज, और 9 घंटे का ड्राइविंग टाइम हुआ है। एक्चुअली इतना 9.5 घंटे का ड्राइविंग टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रास्ते पे मैं जाके आया हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5 या मैक्सिमम 5 घंटे में ट्रैवलिंग पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन रोड इतने ख़राब है और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है ना कि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है।